साथियों नमस्कार, मैं हूं पंकज उपाध्याय, आप देख रहे हैं अनंत वक्ता। बात इन दिनों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 की चल रही है, तो जाहिर सी बात है उसी पे चर्चा होनी चाहिए। इन दिनों उत्तर प्रदेश में पार्टियों का रैलियों का तांता लगा हुआ है। सारी पार्टियां एक दूसरे के ऊपर चढ़कर, एक दूसरे से ऊपर, एक दूसरे से सुपीरियर अपनी बात सामान्य जनमानस, उस ग्राम देवता को बता देनी चाह रही है जिन्हें उन्हें बताना चाहिए, जिससे उनको चुनाव में लाभ होने वाला है। अनंत वक्ता इलेक्शन स्पेशल 2022 की कवायद में हम एक यूनिक स्टोरी देने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश हमारी है कि आपको इस तरीके की कंटेंट्स लाए जाएं जिससे आपका ज्ञानवर्धन हो सके। इसी कड़ी में आज बात करते हैं कि पिछले दिनों अमित शाह के आजमगढ़ दौरे की। दिनों गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की कैबिनेट का जमावड़ा आजमगढ़ में रहा। मौका था आजमगढ़ में एक राज्य विश्वविद्यालय देने का। भाजपा को लगता है कि पूर्वांचल के सत्ता की चाबी आजमगढ़ के पास है। क्यों ऐसा लगता है, क्यों मारामारी है आजमगढ़ पे, समझते हैं आजमगढ़ की वस्तुस्थिति, आजमगढ़ की पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, आपको जरूर जानना चाहिए। आजमगढ़ जिले में दो लोकसभा की सीटें हैं। एरा, ये तो लोकसभा चुनाव की बात होगी। इस समय राज्य विधानसभा की बात चली है तो बताते चले आपको कि आजमगढ़ 10 विधानसभा क्षेत्रों वाला जिला है। यहाँ से 5 विधायक समाजवादी पार्टी के पास है, 4 विधायक बहुजन समाज पार्टी के पास है, 1 विधायक भारतीय जनता पार्टी का फूलपुर विधानसभा से अरुण यादव विधायक हैं। अरुण यादव रमाकांत यादव के बेटे हैं। रमाकांत यादव की राजनीति कई पार्टियों से चलती, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश की अच्छी सभी पार्टियों के वो सदस्य रह चुके हैं, कमोवेश हैं। इस समय समाजवादी पार्टी से नजदीकियां उनकी है, तो संभव है कि फूलपुर सीट भी समाजवादी पार्टी के खाते में जाए, क्योंकि उनके गांव के पास की विधानसभा है और उनके दबदबे वाली सीट मानी जाती है। भारतीय जनता पार्टी इस समय इसी कवायद में है कि वहां अपने अंक को बढ़ाया जाए, क्योंकि अतरौलिया विधानसभा और लालगंज की विधानसभाओं पर बड़ी कम मार्जिन में समाजवादी पार्टी जीती है, 2000 वोटों के आसपास से जीत दर्ज की। सिचुएशन 2017 के बाद 2022 के चुनाव में किस तरीके से बदली है और राजनीतिक स्थिति आजमगढ़ की ये है। ऐसे में आजमगढ़ को जीतना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे टक्कर देने वाले हैं अखिलेश यादव। अखिलेश यादव यही से सांसद है आजमगढ़ से। दूसरी सीट भी भारतीय जनता पार्टी गंवा चुकी है, इसके पहले नीलम शोलकर वहां से सांसद थी, इस समय बहुजन समाज पार्टी का कब्जा है उस पे। 22 ब्लॉक वाले इस जिले की स्थिति अगर देखें तो हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी यहां कमजोर रही है। भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत मतलब यहां नहीं रहा है। पिछले दिनों सांसद के तौर पर रमाकांत यादव यहाँ से जरूर भारतीय जनता पार्टी से जीते हैं, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी से भी सांसद रहे हैं, समाजवादी पार्टी से भी रहे हैं, भाजपा से भी रहे हैं, उनको दल को बदलने में कोई वक्त नहीं लगता। ऐसे में ये बड़ा सवाल है कि अमित शाह का जैम कितना कारगर होता है। आजमगढ़ से यह पताका लहराना बहुत जरूरी है भारतीय जनता पार्टी के लिए, वही समाजवादी पार्टी यहाँ अच्छी स्थिति में है। ये वक्त बताएगा कि 5 सीटों से बढ़कर समाजवादी पार्टी विधानसभा में यहां आगे बढ़ती है, या भारतीय जनता पार्टी 1 सीट से बढ़कर अपना इजाफा कर पाती है, या बहुजन समाज पार्टी 4 सीटों से ऊपर जाती है, या पार्टियां नीचे आती हैं। अगर नीचे आती हैं तो किसकी भरपाई होती है, और ऊपर जाती हैं तो किसका कम होता है। यह बड़ा गौर करने वाला विषय है, और इन 10 विधानसभा सीटों पर सारी की सारी पार्टियों की नजर है। वहां हर पार्टियों के कद्दावर नेता कुछ हैं, इनकी हम चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में।
आपने हमारी वीडियो को देखा, विश्वास है अच्छा लगा होगा। इसी तरीके के किसी दूसरे कंटेंट के साथ मिलते हैं, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।